हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस आज की वीडियो में मैं हेयर वॉश करने वाली हूँ कपड़े धोने की साबुन से तो ये आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा बट यहाँ मैं रहती हूँ गांव में यहाँ अभी भी लोग जो है कपड़े धोने की साबुन से जो है हेयर वॉश करते हैं तो जैसे किसी को पूछो ना जैसे पुराने लोगों को पुराने लोगों को पूछो तो कहते हैं वैसे तो यहाँ भीमल से भीमल एक पेड़ होता है उसका रेशन निकाल के उसका शैम्पू बनाया जाता है तो उससे धोते हैं बट वो जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है तो पूछो ना उनसे कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ तो या कुछ पूछो तो वो बोलते हैं कि हम तो कपड़े धोने के साबुन से ही अपना जो है बाल धोते हैं और उनका कहना ये होता है कि इससे आपके जो जितना भी ड्रैंड्रफ होता है मैल वगैरह जितना भी बालों पर रहता है वो बहुत जल्दी निकल जाता है तो ये आ, ऐसा नहीं होता कि उनके बाल जो हैं अच्छे नहीं होते काफी ज्यादा अच्छे होते तभी तो उनसे पूछते हैं तो अभी भी कितनी लड़कियां जो हैं मतलब हमारे यहाँ कितनी लड़कियां जो हैं कपड़े धोने के साबुन से ही अपना हेयर वॉश करती हैं तो मुझे भी मतलब ये जब पता चला था जब हम सिक्स सेवन्थ में थे तब हमारे साथ एक लड़की थी वो धोती थी और उसके बाल ऐसे थे बहुत अच्छे थे ऐसे नहीं था कि ख़राब थे तो आ, तब इससे और आ, अभी भी मैंने कुछ टाइम पहले किसी से पूछा था तो सेम यही जवाब आया था कि, कि कपड़े धोने के साबुन से तो देखते हैं तो मैं इसको ट्राई तो कर रही हूँ बट मुझे ऐसा हो रहा है कि मतलब हो रहा क्या मतलब इससे अजीब सी बदबू आती है कपड़े धोने के साबुन से तो वो ना आए धोने के बाद तो देखते हैं कि इससे सच्ची में आ, जो है सारा मैल वगैरह निकलता है डेंडर साफ होती है कि नहीं होती है तो आज मैं डायरेक्ट वीडियो शूट कर, आ, कर रही हूँ तो देखते हैं इससे क्या रिजल्ट मिलता है तो यहाँ पे आप थोड़ा आज बैकग्राउंड अवॉइड की, कीजिएगा क्योंकि ऐसा ही है तो अभी हम रिजल्ट देखेंगे सो so गाइस यहाँ पे मैंने हेयर वॉश तो कर लिया है बट इससे ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं जब देहरादून या दिल्ली जाती हूँ उसके बाद बाल धोने के बाद जैसे होते हैं ना कि एकदम से साबुन पूरा निकल जाता है तो वैसे ये हो रहा है मतलब इससे पूरा मैल निकल जाता है क्योंकि यहाँ पहाड़ों का जो पानी होता है उससे साबुन इजीली नहीं निकलता है मतलब बहुत टाइम लगता है अगर आप बाहर के आप यहां हो आप यहाँ हो गए अपना हाथ वगैरह भी धोगे तो आपको लगेगा नहीं कि साबुन निकल रहा है तो ये इससे जो है बाल मतलब पूरा का पूरा मैल मतलब इससे मेरे को लग रहा है कि पूरा निकल चुका है और अभी आप मैं दिखाऊंगी आपको अपना हाथ का वो कि बाल ना बहुत ही ज्यादा मतलब कैसे बच समझाऊं अजीब से हो गए थे बाल धोने के बाद उनमें स्मूथनेस बिल्कुल भी नहीं थी इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी जब मैं अपना हाथ बालों पे लगा रही हूं यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम सॉफ्टनेस जो थी बालों से चली गई थी बिल्कुल साबुन जो है एकदम निकल गया था यहाँ नहीं निकलता है जनरली ठीक है तो यहाँ पे मैंने हेयर वॉश कर लिया अब सूख चुके हैं तो गैस इससे ना मेरे बाल भी आज बहुत झड़े इतना बाल कभी नहीं झड़ते मेरे जितने आज झड़े थे तो शायद ये हो सकता है कि ये साबुन ख़राब रहा होगा हो सकता है तो यहाँ पर मैंने जो है बाल पर जो है अच्छे से मतलब मैंने कॉम कर ली थी सुलझा लिए बाल बट इससे ना बाल वैसे ही हो गए जैसे कभी बाहर जाऊँ ना जैसे दिल्ली या देहरादून तो जैसे गंदे से बाल हो जाते हैं ना तो मतलब कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है बाहर बालों पे यहाँ जब मैं यहाँ बाल धोती हूँ तो मुझे कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा डैमेज से लग रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं बिल्कुल सॉफ्टनेस इसमें है ही नहीं चमक भी नहीं है तो ऐसे ही बाल हो चुके हैं बट ये ज़रूर है कि इससे मतलब जितना भी वो ट्रेंडरफ वगैरह था वो सब कुछ साफ हो गया था ऐसा नहीं है कि मतलब और मैल वगैरह भी सब निकल गया था बट यही है कि चमक बिल्कुल चली गई है काफ़ी ज़्यादा ड्राई मेरे बाल हो चुके हैं और कैसे बताऊँ अजीब से मतलब तो इसमें तो मुझे मतलब अब कंडीशनर की ज़रूरत है बट यही आ, मुझे इससे रिजल्ट मिला सो कैसी लगी आज की ये गई वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर आ, कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा सो थैंक यू बाय